बोलो बोलो बोलो। थैंक यू सो मच सर फॉर सो ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला साहब इज विनिंग फ्रॉम बडगांव। अभी गांधरबल का रिजल्ट आने वाला तो कितनी खुशी है एज अ फादर एज अ पेट्रन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं तो खुश हूँ सबके लिए, अपोजिशन के भी खुश हूँ क्योंकि लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने एतमाद दिया है, हमें इस एतमाद को कबूल करना चाहिए और मिलके हमें इस रियासत को इस मुश्किलों से निकालना चाहिए। सर जैसे बीजेपी दावा करती थी 90 की 90 सीटें लेंगे और अभी के हालात कुछ और ही बोल रहे हैं। वो तो कोई भी पार्टी कह सकती है, उनने वो मुद्दा रखा मगर लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। आपको लगता है कांग्रेस के साथ जो अलायंस में आपका आना था इट वॉज अ गुड डिसीजन, इट वॉज अ वाइज डिसीजन? इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। वी स्टैंड विथ इंडिया, वी डोंट स्टैंड अलोन। इफ द स्टेट हैज टू प्रोग्रेस वी हैव टू स्टैंड विद द रेस्ट ऑफ द नेशन सो दैट वी कैन रिमूव द ट्रेजेडीज दैट हैव अकर्ड इन दीज 10 years एंड दे आर मेजर ट्रेजेडीज। मीडिया इज नॉट फ्री, वी लाइक टू सी मीडिया फ्री इन जम्मू एंड कश्मीर। वी लाइक टू सी those who are in jails from media to be released so that they can honestly work as they have been working. We hope that will happen and that you will people be free to say, because you are the guiding force. If we make mistakes, you are the ones who tell us that you are wrong here and we can correct that situation that we may have created. जैसे टीम ए टीम बी टीम सी यहाँ पे बहुत चला इलेक्शंस में, आपको लगता है आज उन सारी टीम्स की हार होगी और लोगों की जीत हुई जिन्होंने मैंडेट दिया है? मैं उनसे कहूंगा जो हार गए कि उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। जीत और हार जिंदगी में होती है मगर हम सबको जो हारे हुए भी हैं उनको भी हिम्मत करनी चाहिए कि हुकूमत की मदद करें और यहाँ के मुश्किलात दूर करें। डॉक्टर साहब।